सो चिकन को हम लोग डाल, ये महीना में जब मैं कोलकाता में रहता था वो टाइम में एक या दो तो स्वेटर हम लोग को पहनना पड़ता था। और यहाँ पे अंडमान में एक, मतलब ये पतला वाला एक टी शर्ट पहना हुआ है, इसमें ही गर्मी लग रहा है। ये भी खोल के रहूँ तो अच्छा लगता है ऐसा, अभी तो पसीना दे रहा है। अभी टाइम जो हो रहा है 9 बज रहा है, 9:15 समथिंग कुछ हुआ है, और बाहर का धूप देखो। सो मतलब ऐसा धूप हम लोगों को गर्मी में कोलकाता में दिखाई देता है, यहाँ पे सर्दी के टाइम मतलब जनवरी महीना में ऐसा दिखाई दे रहा है। और तो अभी भी बाकी है गर्म का महीना, वो टाइम में तो फाड़ देता है, ये टाइम में फाड़ रहा है, वो टाइम में तो पूरा एकदम मतलब छेद कर देता है ऐसा। वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल पंक बाइसेप्स। अरे नेहा वाला बियर्ड का स्टाइल कैसा लगा? ये बेसिकली बहुत दिन का मेहनत से मैंने बनाया, बहुत दिन से मेरे को मन था कि ऐसा वाला बियर्ड का स्टाइल मैं बनाऊँ, लेकिन असल में बना नहीं पाता था। लेकिन अभी जाके मैं इसको शेव करके पूरा बनाया, और इसको मेंटेन करके रखना ज़रूरी होता है। अगर मेंटेन करके नहीं रखोगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छा लगने के लिए आपको डेली इसको मेंटेन करना है। ऐसा वाला बियर्ड हो जाएगा। सो न्यू ईयर में मैंने बहुत सारा रेजोल्यूशन लिया है जो कि मेरे को करना है, फुलफिल करना है, मतलब करना ही है। एक तो मेरे को वेट लॉस करना है, फिर से जो मैंने वेट लॉस किया था वो फिर से मैंने गेन कर दिया है, मतलब जितना कर दिया था उससे ज़्यादा मैंने गेन किया है। अभी उससे भी ज़्यादा जो है कि मेरे को पैसा वगैरह में कंट्रोल करना है, क्योंकि मैं बहुत बेफिजूल खर्चा करता हूँ, वो सब में मेरे को कंट्रोल करना है। जहाँ पे पैसा खर्च करना वहाँ पे ही खर्च करना है, अदरवाइज़ नहीं। सेविंग्स, और सेविंग्स पीयू के हाथ से ही होता है, मेरे हाथ से नहीं होता है। सो जितना हो सकता है सेविंग्स, जितना कम हो सकता है खर्चा, और वेट लॉस करना, एक प्रॉपर अच्छा वाला डाइट रहना, और हैप्पी लाइफस्टाइल जीना। लास्ट 3-4 सालों से जितना मैंने टेंशन ले लिया है, और टेंशन मेरे को नहीं चाहिए। अभी टेंशन स्किप करके मैं आराम से हैप्पी लाइफस्टाइल में जीना चाहता हूँ। इसके लिए जो जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं आप लोगों को भी बताऊँगा कि ये सब चीज़ अगर आप फॉलो करोगे लाइफ में तो आप भी एक हैप्पी लाइफस्टाइल जी सकते हो। लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ेगा उसमें, लेकिन चलो ठीक है, हैप्पी लाइफस्टाइल जीने में कुछ बुराई नहीं है। आप हैप्पी लाइफस्टाइल जियोगे ना तो आपका लॉन्गेविटी बढ़ेगा, लाइफ का एक्सपेंड बढ़ेगा। आप जितना टेंशन लोगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो लाइफ का ये भी शॉर्ट होता रहता है, क्योंकि आप स्ट्रेस में ही तो आधा लाइफ जी रहे हो, आप लाइफ को एंजॉय कहाँ कर रहे हो। सो इसलिए ज़्यादातर एंजॉय करके जियो और खुशी से जियो। घूमना फिरना, खाना, उठना बैठना, काम करना, सोना, ये सब कुछ एंजॉय करके जियो। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस में कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये सब करके मत जियो। टेंशन छोड़ दो, एंजॉय करके जियो। लोग ऑटोमेटिक में कैमरा को रख के कैसे व्लॉग बनाते हैं मेरे को पता नहीं। सोनी का कैमरा में ऑटोमेटिक में व्लॉग होता है वो मेरे को पता है, और वो अच्छा भी होता है, ऑटोमेटिक पूरा फोकस ब्लर सब कुछ होता रहता है। लेकिन मेरे को ये कैमरा में ऑटोमेटिक में मेरे को पता नहीं है, और मेरे से होता भी नहीं है। इसको मैं ऑटोमेटिक बहुत बार रख के देखा हूँ, मैं फोकस ब्लर ये सब कुछ नहीं होता है ठीक से। इसका शायद से लेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे को पता नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक उतना अच्छा इसका काम नहीं करता। ये बहुत लोगों के साथ होता है कि सैलरी जिस दिन घुसता है उस दिन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन अगला दिन मतलब सैलरी आज घुसा तो कल का दिन बहुत बुरा होता है, क्योंकि जो सैलरी आपका घुसा नेक्स्ट डे वो कट 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 होकर निकल जाएगा, क्योंकि किसी का EMI देना है, किसी से आप लियो उसमें जाएगा, कहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे वहाँ पे जाएगा, मतलब अल्टीमेट वो नेक्स्ट डे खर्चा ही हो जाएगा। सो जिस दिन घुसता है वो दिन बहुत अच्छा लगता है, जिस दिन निकल जाता है उस दिन भाई बहुत बुरा लगता है। मैं तेरे आँखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश में रखूँगा सोनिया। मैं तेरी होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारे बात मैं सुनूंगा सोनिया। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर।
तू मान मेरी जान, मैं तुझ जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। बेसिकली ये गाना मेरा लूप में इतना बार बजाया ना, इतना बार बजाया कि मतलब एक वर्ड टू वर्ड मेरे को पता हो गया। और मतलब किंग का गाना ऐसा है ना, जो भी जितना भी गाना है मतलब 3 4 बार सुनोगे ना पूरा याद हो जाएगा, और पूरा वर्ड, हर एक वर्ड आपका दिल से कनेक्ट कर जाएगा। इतना सुंदर लाइन है, इतना सुंदर वर्ड है और इतना सुंदर गाना है। स्पेशली तो मान मेरी जा भाई, मतलब रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड रिकॉर्ड, सभी का मुंह में ये गाना है, मान मेरी जान। पिछला फ्रेम से लेके ये फ्रेम में ऑलमोस्ट 2.5 घंटा हो चुका है, और मैं एयरपोर्ट पे गया, काम खत्म करके आया। अभी मैं जा रहा हूँ बेसिकली चिड़िया टापू, एक छोटा सा काम है वहाँ पे। मेरा एक गेस्ट का होटल में कुछ सामान छूट गया था, वो लेके आना और उनको भेज देना है DTC से। सो इसलिए मैं जा रहा हूँ, कैमरा को घर पे ही रख के जा रहा हूँ, अपना फ़ोन कैरी करने वाला हूँ, फ़ोन कैरी करके लेके जाऊँगा। इसलिए फ़ोन में चार्ज डाल दिया, क्योंकि मेरा जो बैकपैक है उसमें ये कैमरा कैरी करना मतलब थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और कैमरा का एक्चुअली क्या है, ये लेंस का सामने वाला गार्ड है, अभी ये बॉडी का जो गार्ड एक आता है वो वाला नहीं है, और लेंस का बैक साइड का जो गार्ड आता है वो वाला नहीं है। सो कैरी करना थोड़ा सा रिस्की मतलब रिस्की हो जाता है, इसलिए मैं कैरी नहीं करने वाला। ये नहीं सोचना कि ये ब्लॉग मेरा आज से ही कंटिन्यू हो रहा है, सिर्फ आज का ही ब्लॉग है। ये ब्लॉग एक्चुअली 3 दिन से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जितना भी मेरे को थोड़ा थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा बहुत मैं फ्रेश हो रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बहुत मैं मतलब एकदम चार्ज, एकदम एनर्जेटिक हूँ, वो टाइम में मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। सो ये बेसिकली 3rd डे है और ये लास्ट डे है ब्लॉग का। आज मैं ब्लॉग को रिलीज कर दूंगा, ये ब्लॉग जब तक बनता है। सो आज मिला है संडे और पीछे खाना पकड़ा है, बेसिकली चिकन बन रहा है। सो आज सिर्फ ओनली मेरे लिए ही बन रहा है, क्योंकि आज खाएगा नहीं, मतलब थोड़ा सा खाएगा, ज़्यादातर नहीं। सो यहाँ पे आलू फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा इसको अल्टी पल्टी कर देता हूँ, तो जल जाएगा। थोड़ा बहुत आलू जल चुका है, एक्चुअली जितना फ्राई होगा आलू फिर चिकन थोड़ा सा फ्राई करके उसके बाद आप उसका ग्रेवी बनाओगे तो उसका टेस्ट और भी तगड़ा लगेगा, तगड़ा। सो अभी बारी है चिकन को डालने का, चिकन को हल्का सा मैं तेल में फ्राई कर लूँगा, उसके बाद ही ग्रेवी बनाऊँगा। सो चिकन को हम लोग डाल, तो गाइज मैं कर रहा था चिकन फ्राई, और चिकन फ्राई करते करते चिकन मेरे को फ्राई कर दिया, बेसिकली पैर में तेल गिर गया और कुछ ऐसा हालत हो गया है, पूरा स्किन निकल गया मेरा, देखो पूरा तेल गिर ये पता नहीं कितना दिन तक मेरे को जलाएगा, पता नहीं ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ। एक्चुअली मैं एक हाथ से ऐसे करके कैमरा को पकड़ा था और ये हाथ से मैं चिकन डाला था, और कढ़ाई से जो तेल निकला पूरा पच करके मेरा पैर में आके गिरा, और गिरा तो गिरा, ये उंगली में गिरा, ये उंगली में गिरा, इसके साथ साथ इसमें भी गिरा, और दोनों जल गया। अरे बाप, इतना पेन हो रहा है ना, अभी जाके थोड़ा सा रिलीफ मिला है करके मैं कैमरा उठाया, लेकिन इससे पहले पूरा जला दिया था। सबसे अच्छा बात ये स्किन उठ गया, ये स्किन अगर रहता तो भाई वो मतलब पूरा ये हो जाता, पानी जम जाता उसमें, लेकिन ये स्किन निकल गया करके अच्छा है। ऊपर वाले में स्किन अभी तक नहीं निकला, स्किन निकल जाने से थोड़ा सा जलेगा लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा, स्किन अगर नहीं निकला तो भाई वो बहुत सताएगा बहुत। सो अभी ऑइंटमेंट डालने से थोड़ा सा आराम लग रहा है, अभी बाज़ार से जाया मतलब जाके एक क्रीम लेके आया, मेरा घर में कुछ क्रीम नहीं था, तो एक क्रीम खरीद के लेके आया।